मध्य प्रदेश में प्रोग्राम करने आई हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो सतना जिले के रामपुर बघेलान में लाइव कंसर्ट करने आई थी। कंसर्ट के बाद पेट दर्द होने पर उन्हें रविवार तड़के 3 बजे रीवा के संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल लाकर इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया। डॉक्टर धीरज केन ने उनका ट्रीटमेंट किया और 10 मिनट बाद ही आराम मिलने पर वापस होटल भेज दिया। रामपुर बघेलान कस्बे में व्यापारी सुखनंदन प्रसाद सर्राफा ने यह प्रोग्राम कराया था। सपना का लाइव कंसर्ट हनुमानगंज मैदान में हुआ, जो रात 8 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चला। कंसर्ट खत्म होने के बाद सपना के रुकने खाने का इंतजाम रीवा शहर के चुराहटा बाईपास स्थित चंद्रलोक होटल में था। सपना ने रात 1 बजे के बाद इवेंट कंपनी के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के साथ खाना खाया। 2:30 बजे के आसपास उन्हें पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने पर होटल मैनेजमेंट को जानकारी दिए बिना उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कार से लेकर अस्पताल पहुंचे। ओपीडी में पर्ची कटाने के बाद उन्हें वार्ड नंबर 7 में एडमिट किया गया। सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि तड़के 3 बजे डॉक्टर धीरज केन की मौजूदगी में सपना को दवा दी गई। जब पेट दर्द से राहत मिली तो तड़के 3:20 पर उनको होटल जाने की इजाजत दे दी गई। इवेंट कंपनी के सूत्रों की माने तो रविवार की सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक चंद्रलोक होटल में आराम करने के बाद सपना की तबीयत में सुधार हो गया। इसके बाद वे रामपुर बघेलान में सर्राफा कारोबारी के घर में चाय नाश्ता करने पहुंची, फिर वहां से खजुराहो के लिए रवाना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।